प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 संस्कृत दिग्दर्शिका के पहले चैप्टर जो कि है वंदना, इसका पूरा लिखित हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। आप सभी लोग मेरी हैंड रिटन नोट्स देख सकते हो। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस हैंड रिटन नोट्स में दिखाऊंगा कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। ठीक है, समझो, विश्वानि माने संपूर्ण विश्व, विश्वानि मतलब संपूर्ण विश्व के देव माने देवता, सवित माने सूर्य, तो संपूर्ण विश्व के सूर्य देवता। ठीक है, विश्वानि माने संपूर्ण विश्व के देव माने देवता, सवित माने सूर्य, दुरितान माने पापों को, परासु माने दूर कीजिए। यानी कि यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे संपूर्ण विश्व के देवता अर्थात सूर्य भगवान, हे संपूर्ण विश्व के देवता सूर्य देव, आप हमारे दुरितान माने पापों को, परासु यानी दूर कीजिए। ठीक है, यद माने जो चीज़ें, भद्रम माने कल्याणकारी हों, तत् माने वह, नह माने हमें, आसु माने प्रदान कीजिए। यहाँ पे दो दो शब्द हैं, एक तत् दूसरा नह। तत् माने वह, नह माने हमें, आसु माने प्रदान कीजिए। यानी जो चीज़ें हमारे लिए भद्र हों, कल्याणकारी हों, वो चीज़ें हमको प्रदान कीजिए। ठीक है, पूरे श्लोक की अब चलिए हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है विश्वानि देव, दूसरी तरफ आसु, डैश डैश कर देंगे, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वंदना नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद में लिखेंगे, हे सूर्य देव, हमारे समस्त पापों को नष्ट करो और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो। ध्यान देना, और हम कोष्ठक में इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि इसको हमने अपने से जोड़ा है। तो अनुवाद में जो शब्द हम अपने से ऐड करेंगे उसको कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अगला। अगला है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य स्विद धनम। देखिए, ईशावास्यम, ईशावास्यम माने ईश्वर द्वारा घिरा हुआ है। ईशावास्यम माने ईश्वर द्वारा यानी भगवान से घिरा हुआ है। इदम माने यह, सर्वम माने सभी कुछ, किंच माने कुछ, यत माने जो, जगत्याम माने धरती में, जगत माने उपलब्ध है, यानी धरती में उपलब्ध जितनी भी चीज़ें हैं, जगत्याम माने धरती में कुछ, किंच माने कुछ भी, यत माने जो, सर्व माने सभी, यानी जो कुछ भी, इदम माने इस धरती में, जगत्याम माने धरती में, जगत माने उपलब्ध है, यानी इस धरती में जो कुछ भी उपलब्ध है, जो भी चीज़ें हैं वो सब ईशावास्यम है। ईशावास्यम माने ईश्वर से व्याप्त हैं, ईश्वर द्वारा घिरी हुई हैं। ठीक है, और तेन माने इस कारण से, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजीथा, भुंजीथा माने भोग कीजिए। यानी जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं, आपको जो ईश्वर द्वारा प्राप्त हैं, उनका भुंजीथा माने त्याग पूर्वक भोग कीजिए। ठीक है, उनको आप उपयोग कीजिए। ये मत सोचिए, माँ माने मत, गृधा माने सोचिए, ये मत सोचिए, कस्य माने किसका, स्विद माने धन, कस्य सिद्ध माने किसी दूसरे का, धनम माने धन है। यानी ये मत सोचिए कि ये किसका धन है, कस्य स्विद धनम माने किसका धन है। यहाँ पे दो अर्थ निकलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहला अर्थ तो ये हुआ कि इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सब ईश्वर से आच्छादित हैं, ईश्वर द्वारा घिरी हुई हैं, इसलिए त्यागपूर्वक उनका भोग कीजिए, ये मत सोचिए कि ये धन किसका है। पहला अर्थ तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि इस संसार में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो ईश्वर से व्याप्त हैं अर्थात ईश्वर द्वारा प्राप्त हैं, तो इस कारण से उन चीज़ों का त्याग पूर्वक भोग कीजिए। माँ माने मत, गृधा माने लालच कीजिए, माँ माने मत, गृधा माने लालच कीजिए, कस्य स्विद माने किसी दूसरे के, धनम माने धन का, यानी किसी दूसरे के धन का लालच मत कीजिए। दोनों हैं इसके अर्थ। तो कैसे लिखेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को एक तरफ लिखना ईशावास्यम इदम, दूसरी तरफ स्विद धनम। ठीक है, संदर्भ पूर्वत यानी पिछले वाले जैसा यहाँ पर लिख लेना। अनुवाद में लिखेंगे, इस ब्रह्मांड में स्थित जो यह चराचर जगत है, चराचर जगत मतलब जितनी चर चीज़ें, अचर चीज़ें, यानी जितने प्राणी, जितने भी लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं, वह सब ईश्वर से व्याप्त है। ठीक है, इसलिए उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्यागपूर्वक इसका भोग कीजिए। यानी जो भी चीज़ें मिली हुई हैं त्यागपूर्वक उनका उपयोग कीजिए, इसमें आसक्त मत हो जाओ, क्योंकि धन अर्थात भोग्य पदार्थ किसका है, यानी ये भोग्य पदार्थ जो है किसी का नहीं रहेगा, एक न एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और ये सब यहीं पड़ा रहेगा। पहला अर्थ तो ये हुआ, अर्थात किसी का नहीं है, यानी इस पृथ्वी में उपलब्ध चीज़ें किसी की नहीं है, इसलिए जब तक आपकी ज़िंदगी है उनका उपयोग करो, अथवा मैं आप लोग लिख देंगे किसी दूसरे के धन का लालच मत करो। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे तो दोनों अर्थ एक ही बार में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अगला देखते हैं। सह माने साथ साथ, नव माने हम दोनों की,
अब तुम्हारे रक्षा करें। अब यहाँ पे हम दोनों कौन कौन हैं, एक तो गुरु हैं, दूसरे जो हैं शिष्य हैं, यानी गुरु और शिष्य साथ साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, सह माने साथ साथ, नव माने हम दोनों की, अव तुम्हारे रक्षा करें, यानी साथ साथ हम दोनों की रक्षा करें, सह माने साथ साथ, नव माने हम दोनों की, भुनक्तु माने हम दोनों का पालन करें अर्थात साथ साथ हम दोनों भोग करें। भुनक्तु का मतलब होता है भोग करें अर्थात संसार में उपस्थित चीज़ों को हम उपयोग करें, ठीक है। अब यहाँ पे सह नव अव तुम्हारे साथ साथ हम दोनों की आप रक्षा कीजिए और ऐसा हमारे ऊपर आशीर्वाद दीजिए कि साथ साथ हम एक दूसरे का जो है यहाँ पे उपलब्ध चीज़ों का भोग करें, ठीक है। और सह माने साथ साथ, वीरियम माने पराक्रम, वीरियम माने पराक्रम करवा वही मतलब करें, यानी साथ साथ हम दोनों पराक्रम करें, ठीक है, यानी गुरु और शिष्य साथ साथ हम दोनों पराक्रम करें। और तेजस्वी माने तेज युक्त हो, तेजस्वी माने तेज युक्त हो। नव माने हम दोनों की, अवधितम अवधितम अस्तु माने हमने जो कुछ भी अध्ययन किया है, यानी हमने जो कुछ भी अध्ययन किया है, जो कुछ भी हमने विद्या ग्रहण की है वो तेज युक्त हो, तेजस्वी हो, ठीक है। माँ माने मत, विद्विष्वावहे मतलब हम दोनों आपस में दोष करें, यानी हम दोनों आपस में दोष माँ माने मत करें अर्थात हम दोनों एक दूसरे से कभी भी दोष मत करें, ठीक है। माँ माने मत, विद्विष्वावहे मतलब एक दूसरे से दोष करना, यानी हम कभी भी एक दूसरे से दोष ना करें। चलो अब इसको भी देख लेते हैं, आप लोग एक तरफ लिखेंगे सह नव अव, तो दूसरी तरफ लिखेंगे विद्विष्वावहे, ठीक है। संदर्भ पूर्वक अनुवाद में लिखेंगे हे ईश्वर, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, ठीक है, साथ साथ यहाँ पे लिख देंगे भोग का पालन करें, ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लेंगे भोग का पालन करें, हम दोनों साथ साथ बल प्राप्त करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेज युक्त हो, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें, ठीक है, परस्पर माने एक दूसरे से। अब देखिए अगला है, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो, ये तो वही बात हुई स्वामी विवेकानंद वाली, ठीक है ना। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठत माने उठो, उत्तिष्ठत माने उठो, जागृत माने जागो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो, ठीक है, उत्तिष्ठ माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो। वरान, वरान माने श्रेष्ठ लोगों से, निबोधत माने ज्ञान, निबोधत माने ज्ञान, यानी श्रेष्ठ लोग जो हैं, पढ़े हुए लोग जो हैं, शिक्षित लोग जो हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उठो जागो और ज्ञान प्राप्त करो श्रेष्ठ लोगों से, ठीक है, इसका पूरा अर्थ ये हुआ। चलो इसको भी देख लीजिए, आप लोग एक तरफ लिखेंगे उत्तिष्ठत, दूसरी तरफ वरात निबोधत, ठीक है। संदर्भ पूर्वक अनुवाद में लिखेंगे हे मनुष्यों उठो जागो, यानी सावधान रहो, समझो, समझदार बनो, ठीक है, श्रेष्ठ मनुष्यों के समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बस सिंपल से है दोस्तों, तनिक तनिक एक दो लाइन लिखना है बस, यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु सन्नह कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्या, यतो यतः, यद देखिए यहाँ पे लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, यतो यतः माने जिस जिस से, यतो यतः माने जिस जिस से, समीह से मतलब चाहते हो, हे ईश्वर आप जिस जिस से चाहते हो, ततो माने उस से, नो माने हमको, अभयम कुरु माने निडर कर दो, अभयम कुरु माने निडर कर दो, यानी हे ईश्वर आप जिस से चाहते हो उससे हमको निडर कर दो। सम माने कल्याण करो, न माने हमारा, यानी हमारा कल्याण करो। प्रजाभ्यो माने प्रजा का भी, करो कुरु माने करो, यानी प्रजा का भी कल्याण करो। और अभयम माने अभय कर दो, निडर कर दो, न माने हमारे पशुभ्या माने पशुओं को, जानवरों को, यानी हमारे पशुओं को भी निडर कर दो, जो हमने जानवर पाल रखे हैं, पशु पाल रखे हैं, उनको भी निडर कर दो, ठीक है, यानी हे ईश्वर आप जिस जिस से चाहते हो उससे हमको निडर कर दो, और हमारी प्रजा का कल्याण करो, और हमारे पशुओं को भी निडर कर दो, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं, अभी तक कई लोग लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर करते जाइए, ठीक है। आप लोगों को एक तरफ इतना यतो यता, दूसरी तरफ पशुभ्या, डैश डैश करेंगे, संदर्भ पूर्वक अनुवाद में लिखेंगे हे ईश्वर आप जिस से चाहते हो उससे हमें निर्भय करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो, और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश हुआ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना, लर्न विथ RP लिखना, मेरा ऑफिशियल चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।